देखो, अगर तुम अपने रिश्ते को, अपने रिलेशन को, अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाकर रखना चाहते हो, उसे अच्छा बनाकर रखना चाहते हो, तो मैं आपको आज 7 ऐसे गोल्डन रूल्स बताने वाला हूं जो आपके रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। फिर चाहे आपका रिश्ता अपनी वाइफ के साथ हो या फिर गर्लफ्रेंड के साथ हो। तो सबसे पहला पॉइंट है, अपने पार्टनर के सामने खुश रहो, हमेशा अपने साथी के सामने उसे खुश नजर आओ। रिश्ता कमजोर होता है तब जब तुम दूसरे से ज्यादा खुद को अहमियत देते हो। रिश्ता कमजोर होता है दूसरों से ज्यादा खुद को अहमियत देने के कारण। आपने देखा होगा बहुत से रिश्तों में लड़के लड़कियां जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स होते हैं, वो एक दूसरे को अपना दुख ही दिखाते रहते हैं, वो अपनी कमजोरियां ही बताते रहते हैं, वो खुश नहीं होते, वो एक दूसरे को हंसकर नहीं दिखा रहे होते। बहुत से हस्बैंड वाइफ भी ऐसे ही चलते हैं, पति पत्नी भी ऐसे ही अपने रिश्तों में बिचरते हैं। वो दूसरों को अपना दुख, अपना दर्द, अपनी उदासी और मायूसियां ही दिखाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन कभी अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश नहीं करते और उनके सामने खुश रहने की कोशिश नहीं करते। जबकि ध्यान दो, तुम किसी रिश्ते में क्यों आते हो, तुम किसी इंसान के साथ क्यों रहना चाहते हो, ताकि तुम खुश रह सको और उसे खुश रख सको। जो बातें तुम कहते हो वो बातें भी ऐसी ही होती हैं कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारा ध्यान रखूंगा, हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। प्यार का मतलब होता है खुश रहना, खुश रखना। अगर तुम खुद तुम्हारे पार्टनर के सामने खुश नहीं हो तो तुम्हें देखकर वो भी खुश नहीं होगा। अगर तुम उसके सामने अपने दुखों की कहानियां सुना रहे हो, शिकायतें कर रहे हो, तो वो कभी उनको सुनकर खुश नहीं होगा, वो भी दुखी ही होगा। तो अपने पार्टनर के सामने हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। रिश्ते कमजोर होते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो बाहर खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने पार्टनर को वो दुख दिखाते हैं अपने चेहरे के ऊपर, अपनी बातों में, अपने अंदाज में, अपनी अपनी बॉडी लैंग्वेज में। तो कभी भी अपने पार्टनर को दुखी मत दिखाई दो। हाँ, अगर तुम नाजायज रिश्ते में हो तो वहां पर लोग चालाकियां करते हैं, मर्द चालाकियां करते हैं, औरतें चालाकियां करती हैं। नाजायज रिश्ते में, जिनका रिश्ता नाजायज होता है, बाहर कहीं अफेयर चल रहा होता है, वो लोग बड़े चालाक होते हैं। वो कभी अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को दिखाते ही नहीं कि वो खुश हैं, उल्टा वो दुखी नजर आते हैं, उदास नजर आते हैं, उदासी दिखाते हैं चेहरे के ऊपर। ठीक है, तुम्हारी उदासी सही भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि जो इंसान अपने घर में दुखी हो या अपनी गर्लफ्रेंड के सामने दुखी नजर आ रहा हो, पत्नी के सामने दुखी नजर आ रहा हो, उसका कहीं बाहर रिलेशन हो। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं जिनके बाहर अफेयर चल रहे होते हैं, वो अपनी पत्नी के सामने दुखी ही नजर आते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने दुखी नजर आते हैं, हमेशा उसे कहते हैं कि मैं बिजी हूं, बाद में बात करूंगा। लेकिन जिसको किसी से प्यार होता है वो हमेशा वक्त निकाल लेता है। तो अपने पार्टनर के सामने हमेशा खुश रहो ताकि तुम्हें देखकर वो खुश हो सके। उसे खुश रखने की कोशिश करो, हमेशा अपनी कमजोरियां उसे मत दिखाओ, हमेशा उसे अपना दुख दर्द मत दिखाओ। कभी-कभी हर पार्टनर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो तुम्हारा दुख सुनता है, तुम्हारा दर्द सुनता है, लेकिन अगर तुम हमेशा ही उसे दुखी रहकर दिखाओगे तो जल्दी ही वो इंसान खुद को अकेला महसूस करेगा और कहीं बाहर नजर दौड़ाएगा ताकि तुम्हें छोड़कर किसी और को ढूंढे। तो हम किसी रिश्ते को बनाते हैं ताकि हम खुश रह सके। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथी ने तुम्हें इसलिए चुना था ताकि तुम खुश रह सको, ताकि वो खुश रह सके। दूसरा गोल्डन रूल है, बातों से रिश्तों को सुधारने की कोशिश मत करो। ज्यादातर क्या होता है, जब किसी दो पार्टनर्स में, पति पत्नी में या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, प्रेमी प्रेमिका में लड़ाइयां होती हैं किसी कारण, शक की वजह से या किसी और वजह से, तो वो अपने बातों से, अपनी सफाइयों से अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करते हैं।
वो चुप नहीं रहते, वो एक दूसरे को सोचने का मौका नहीं देते, जैसे ही उनसे गलती होती है वैसे ही माफी मांगना शुरू कर देते हैं, वैसे ही सफाइयां देनी शुरू कर देते हैं, वो अपनी बातों से अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच ये है कि बातों से कभी रिश्ते नहीं सुधरते, बातों से रिश्ते और बिगड़ते हैं, क्योंकि तुम सफाइयां देते हो। जब एक बार किसी के दिमाग में शक पैदा हो जाता है तुम्हारे साथी के दिमाग में, फिर वो तुम्हारी किसी भी सफाई के ऊपर यकीन नहीं करता। बातें करने से या फिर बातों से रिश्ते को सुधारने की बजाय आपको क्या करना चाहिए? आप अपनी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को कोई गिफ्ट दे सकते हैं, उसे अपनी शादी की सालगिरह याद दिलवा सकते हैं, शादी की एल्बम देख सकते हैं, उसके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, उसको अपना प्यार दिखा सकते हैं, उसके लिए कपड़े खरीद सकते हैं, उसके लिए उसे शॉपिंग करवा सकते हैं, चाहे वो नाराज ही हो लेकिन दिल ही दिल में वो तुम्हें माफ करेगा। हमेशा बातों से रिश्तों को सुधारने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारा साथी तुमसे रूठता है तब जब उसे तुम्हारे किए हुए वादे याद होते हैं, तुमने जो कहा होता है तुम उसके ऊपर नहीं चल रहे होते, इसीलिए वो तुमसे उदास होता है, परेशान होता है, तुमसे नाराज हो जाता है। तो बातों से सुधारने की कोशिश मत करो, माफियां मत मांगो, अपना प्यार दिखाओ। तीसरा पॉइंट है, प्यार करो, एहसान मत करो। अगर तुम अपने साथी से, अपने पार्टनर से, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी पत्नी से प्यार करते हो, तो उस ये मत दिखाओ कि तुम उसके ऊपर कोई एहसान कर रहे हो। बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं जो बचपने में होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, वो हमेशा अपने प्यार को अपने साथी के सामने ऐसे पेश करते हैं जैसे वो उनके ऊपर कोई एहसान कर रहे हो, जैसे दूसरा उनकी उनके एहसासों के नीचे, एहसानों के नीचे दबा पड़ा हो, जैसे वो किसी के ऊपर कोई, देखा है ना आपने, कुछ लोग हमेशा दिखाते रहते हैं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं लेकिन तुम तो मेरी परवाह ही नहीं करती, या फिर लड़की कह रही होती है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूं, तुम्हें तो कोई मेरी फिक्र ही नहीं है, तुम्हें मेरे प्यार की कदर ही नहीं है। नहीं, अगर तुम प्यार कर रहे हो ठीक है, प्यार करो, लेकिन एहसान मत करो। बार बार जताओ मत कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं या मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं और तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। नहीं, परवाह होती है, लेकिन कुछ लोग तुम्हें बोलकर नहीं सुनाते, वो सिर्फ तुम्हें देखते हैं। औरतें खासकर, वो उनको देखने में मजा आता है कि उनका पार्टनर उनको कितना चाहता है, कैसे उनके पीछे पीछे भागता है, कैसे अपना प्यार दिखाता है। तो चाहे तुम जितना मर्जी कहो लेकिन वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। इसीलिए प्यार करो, एहसान मत करो, जताओ मत कि तुम उसे कितना प्यार कर रहे हो, अपने पार्टनर को कितना उसे दिखा रहे हो, तुम कितने परेशान हो। नहीं, उसे तुम्हारी परेशानी भी नजर आएगी, उसे तुम्हारी मोहब्बत भी नजर आएगी, उसे तुम्हारा प्यार भी नजर आएगा। लेकिन प्यार की एक खूबसूरती है जो औरत होती है वो कभी कहती नहीं है, कहकर नहीं सुनाती, हमेशा दिल में रखती है। हाँ, मर्दों को आदत होती है, लड़कों को आदत होती है कि वो अपना प्यार, जैसे ही उनके दिल में प्यार उठता है वो वैसे ही दिखा देते हैं। प्यार करो, एहसान मत करो। उसके बाद है चौथा गोल्डन रूल, जो है, जो कहा है उसे याद रखो, जो सुना है उसे भूलना सीखो। बहुत बार क्या होता है, जो औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, थोड़ी ज्यादा इमोशनल होती हैं, बड़ी जल्दी किसी बात को दिल के ऊपर ले लेती हैं, बड़ी जल्दी सीरियस हो जाती हैं। कोई बात अगर उसका पति या फिर बॉयफ्रेंड मजाक में भी कहे, मजाक भी करे, तो उस मजाक को सीरियसली ले लेती हैं, चुप हो जाती हैं, बात करना बंद कर देती हैं, उदास रहने लगती हैं। जो कहा गया होता है वो उसे याद रखती हैं, जो जो उन्होंने सुना होता है अपने बॉयफ्रेंड से, अपने पति से, उसे वो याद रखती हैं, उसे भूलती नहीं है। लेकिन करना उल्टा चाहिए, जो तुम कह रहे हो उसे याद रखो। तुम अपने पार्टनर को क्या कह रहे हो कि तुम उसे कितना प्यार करते हो, तुम उसे क्या ला कर दोगे, तुम उसका जन्मदिन याद रखते हो। अगर तुमने उसे कहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन के ऊपर तुम्हें कोई गिफ्ट ला कर दूंगा, तो उस बात को याद रखो, उसे भूलो मत, क्योंकि लोग हमेशा जो उन्होंने सुना होता है वो उसे याद रखते हैं। तो तुम्हारी पत्नी ने, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने जो भी तुमसे सुना है वो हमेशा उसे याद रखती है, कभी नहीं भूलती। इसीलिए तुम्हें भी हमेशा याद रखना चाहिए जो तुमने कहा है।
प्रॉब्लम तब होती है जब तुम अपना ही कहा हुआ भूल जाते हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड या पत्नी तुम्हें फिर तुम्हारी गलती का एहसास करवाती है और तुम उससे पूछते हो कि मुझे बता तो दे मेरी गलती क्या है। नहीं, वो नहीं बताएगी, तुम याद करो तुमने उसे क्या कहा था। तो जो कहा है उसे याद रखो और जो सुना है उसे भूलना सीखो, क्योंकि इंसान ज्यादातर वही बातें याद रखता है जो नेगेटिव होती हैं, नकारात्मक होती हैं। नेगेटिव बातों को याद करके ही, याद रखकर ही वो उदास होता है, परेशान होता है, क्योंकि वो सच में तुमसे प्यार कर रहा होता है। जो इंसान तुमसे प्यार नहीं करता वो तुम्हारी नेगेटिव बातों को कभी याद नहीं रखेगा, वो सिर्फ खुश रखने वाली बातों को याद रखेगा और खुश करने वाली बातों को याद रखेगा। तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखो, जो कहा है उसे कभी मत भूलो और जो सुना है उसे भूलना सीखो, क्योंकि ज्यादातर इंसान बुराइयों को ही याद रखता है। उसके बाद है पांचवा पॉइंट, गर्लफ्रेंड से आई लव यू सुनने का इंतजार करो लेकिन पत्नी से, वाइफ से आई लव यू कहो। ज्यादातर लोग अपनी गर्लफ्रेंड को आई लव यू कहते रहते हैं, बार बार कहते रहते हैं, लेकिन उससे आई लव यू सुनने का इंतजार नहीं करते। वो जबरदस्ती ही कहते रहते हैं कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू भी मुझे कह कि तू मुझसे प्यार करती है। नहीं, औरत जब गर्लफ्रेंड होती है तो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं बनती कि उसे तुमसे कुछ चाहिए, वो सिर्फ तुम्हें चेक कर रही होती है कि जो तुम कह रहे हो उसमें कितनी सच्चाई है। क्या तुम सच में अगर उससे कह रहे हो कि तुम उसे एक दिन अपनी वाइफ बनाओगे, अपनी पत्नी बनाओगे, तो तुम उस बात के ऊपर चल रहे हो या फिर वो सिर्फ मजाक है? तुम उसे सच में प्यार कर रहे हो या फिर तुम उसकी खूबसूरती को देखकर उसे बस कह देते हो कि आई लव यू? नहीं, गर्लफ्रेंड से आई लव यू सुना जाता है, इंतजार किया जाता है कि एक दिन वो तुम्हें कहेगी कि वो भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना तुम करते हो। और जो पत्नी होती है वो तुम्हें इतना आई लव यू नहीं कहती, उसको आई लव यू कहने का फर्ज तुम्हारा है। अगर तुम उसे कहोगे तो ही उसे पता चलेगा कि तुम उससे सच में कितना प्यार करते हो, और वापिस वो भी तुम्हें कहती है कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी पत्नी को आई लव यू नहीं कहते, कहना भूल जाते हैं। उनको लगता है कि घर में ही है, पास में ही रहती है, सारा दिन इसी के साथ तो मैं रहता हूं, तो इसे आई लव यू कहने की क्या जरूरत है? नहीं, आई लव यू कहने की जरूरत ही पत्नी को होती है, गर्लफ्रेंड से आई लव यू सुना जाता है। हाँ, प्यार दोनों को दिखाया जाता है, दोनों से ही तुम प्यार करते हो, दोनों को प्यार दिखाते हो, अपनी गर्लफ्रेंड को भी और जिस गर्लफ्रेंड को तुम अपनी पत्नी बनाना चाहते हो उसे भी तुम अपना प्यार दिखाते हो। प्यार दिखाओ, दिखाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहां पर बात हो रही है अपने रिश्ते को सुधारने की, उसे ताकतवर बनाने की, स्ट्रांग बनाने की। तो जब किसी रिश्ते में तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो तो वहां पर उससे आई लव यू सुनने का इंतजार करो, अपना प्यार उसे दिखाते रहो, इशारों में, बातों में, शब्दों में, अल्फाजों में, अंदाज में। और जो पत्नी होती है उसे आई लव यू कहो, चाहे 10 दिन बाद कहो, 15 दिन बाद कहो, लेकिन पत्नी हमेशा इंतजार कर रही होती है कि कब तुम उसे अपना प्यार दिखाओगे। इसीलिए तो वो बड़ा प्यार से तुम्हें, तुम्हारे लिए खाना परोसती है, तुम्हारे कपड़ों को इस्त्री करती है, उनको संभाल कर रखती है, तुम्हारे बच्चों को संभालती है। वो सिर्फ एक बार तुमसे सुनना चाहती है कि आज भी तुम उससे उतना ही प्यार करते हो जितना पहले दिन तुमने उसे कहा था। तो पत्नी से आई लव यू कहा जाता है और गर्लफ्रेंड से, प्रेमिका से आई लव यू सुनने का इंतजार किया जाता है। हाँ, तुम कह सकते हो लेकिन उससे सुनने के लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। उसके बाद है, अपने रिश्तों को दूसरों के साथ कंपेयर कभी मत करो, जो तुम्हारे पास है वो किसी और के पास नहीं है। बहुत से लोग अपने रिश्तों को इसलिए तोड़ बैठते हैं, अपने प्यार तक को खो बैठते हैं, क्योंकि वो अपने प्यार को, अपने रिश्ते को, अपने साथी को, अपने लाइफ पार्टनर को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करके देखते हैं। फिर चाहे वो फिल्मों में कंपेयर करें, आम जिंदगी में कंपेयर करें, जिस ऑफिस में वो काम कर रहे होते हैं वहां पर किसी को देखकर कंपेयर करें, या फिर अपने दोस्तों के साथ। तो अपने रिलेशन को कभी दूसरों के साथ कंपेयर मत करो। जैसे ही तुम दूसरों के साथ अपने रिश्ते को कंपेयर करते हो,
तभी तुम्हारा रिश्ता टूटना शुरू हो जाता है, उसमें दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं और शक का जन्म होना शुरू हो जाता है। औरतों को ये आदत होती है, वो अपने रिश्तों को दूसरों के साथ कंपेयर करके देखती हैं, हमेशा अपने पति या बॉयफ्रेंड को कहती रहती हैं कि तुम तो मेरे लिए कुछ करते ही नहीं हो, सुनीता का पति देखो कितना अच्छा है, सुनैना का पति देखो कितना अच्छा है, उसका बॉयफ्रेंड देखो कितना अच्छा है। तो ये सारी बातें, तो अपने रिलेशन को जब तुम दूसरों के साथ कंपेयर करते हो तभी वो रिश्ता टूटना शुरू होता है। अपने रिश्ते को दूसरों के साथ कंपेयर करने की कोशिश मत करो, क्योंकि बाकी लोग भी कहीं ना कहीं तुम्हें देखकर अपना रिश्ता तुम्हारे साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। तो दूसरों के लिए अच्छी एग्जाम्पल बनने की कोशिश करो, बुरी एग्जाम्पल बनने की कोशिश मत करो। ये मत दिखाओ कि लोग तुम्हारे रिश्तों के ऊपर हंसे, तुम्हारा मजाक उड़ाएं, तुम दोनों को लड़ता हुआ देखें और घर में जाकर तुम्हारे बारे में बातें करें, तुम्हारे रिश्ते के ऊपर हंसें, तुम्हारा मखौल उड़ाएं और तुम्हारे सामने बड़े ही अच्छे बनकर रहें, भोले बनकर रहें। नहीं, अपने रिलेशन को अगर तुम स्ट्रांग बनाकर रखना चाहते हो, जिंदा रखना चाहते हो, तो उसे दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़ दो। सिर्फ तुम दोनों के बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। दूसरों के साथ कंपेयर करोगे तो कभी तुम्हें वो चीज, वो सुख, वो आनंद अपने रिश्ते से मिल ही नहीं पाएगा जो मिल सकता था। ज्यादातर रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग अपने साथी को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करके देखते हैं, वो उसकी अच्छाइयां भूल जाते हैं और बुराइयों को याद रख लेते हैं। और बुराइयां भूलने वाली चीजें होती हैं, याद रखने वाली नहीं। जब बात रिश्तों की हो, जब बात प्यार की हो, सच्ची मोहब्बत की हो। उसके बाद है आखिरी पॉइंट है, जिस रिश्ते में हो उस रिश्ते की अहमियत को याद रखो। अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे हो, तुम एक बॉयफ्रेंड हो, तो हमेशा याद रखो कि एक बॉयफ्रेंड का क्या फर्ज होता है, क्या कर्तव्य होता है, क्या इच्छाएं होती हैं, कौन सी बातें हैं जो बॉयफ्रेंड को कहनी चाहिए और कौन सी नहीं कहनी चाहिए। एक बॉयफ्रेंड कैसा होता है, बॉयफ्रेंड को कैसा होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, उसकी बातें कैसी होनी चाहिए, उसे अपना अंदाज कैसा रखना चाहिए और उसे कैसे अपने दायरे में रहना चाहिए, कैसे औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक वैसे ही अगर तुम एक औरत हो, गर्लफ्रेंड हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए क्या कर सकती हो, एक गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड के लिए क्या करना चाहिए, कैसे उसे संभालना चाहिए, कैसे उसकी बातों को सुनना चाहिए, कैसे उनकी बात, किन बातों को सीरियसली लेना चाहिए और किन बातों में मजाक उड़ाना चाहिए। और अगर तुम एक पति हो या पत्नी हो, तो भी तुम्हें पता होना चाहिए कि पत्नी का और पति का क्या फर्ज होता है, कौन से कर्तव्य होते हैं। तो जिस रिश्ते में हो उस रिश्ते की अहमियत को याद रखो, समझो कि तुम किस रिश्ते में हो और किस रिश्ते को निभा रहे हो। बहुत से लोग पति बन जाते हैं लेकिन पूरी तरह पति नहीं बन पाते, उनमें आधे से ज्यादा बॉयफ्रेंड वाली हरकतें रहती हैं, बॉयफ्रेंड वाला गुस्सा रहता है, बॉयफ्रेंड वाली नाराजगी रहती है और बॉयफ्रेंड वाला बचपना रहता है। और बहुत से लोग जो बॉयफ्रेंड बन जाते हैं वो पति बनने की कोशिश करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर हुक्म चलाते हैं, अपनी हर बात मनवाने की कोशिश करते हैं, उसे दबाकर रखना चाहते हैं। नहीं, जिस रिश्ते में जैसे हो, जैसी उसकी अहमियत है, उस अहमियत को याद रखो। तुम्हारा पार्टनर हमेशा तुमसे खुश रहेगा और कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा।